Hello everyone, welcome to the Sarnasing lecture. Today we study the procedure of lumbar puncture or spinal tap. सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की. तो डेफिनेशन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन बताते हैं कि यह होता क्या है. इसमें क्या होता है कि जो लंबर सब पेरिकुलर स्पेस होती है, लंबर सब स्पेस जो होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे ये L3 और ये L4 है, ठीक है, ये L4 है, वर्टिब्री है, और इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है, सबअरेक्नॉइड स्पेस है, सबअरेक्नॉइड स्पेस है. इसमें अपन क्या करेंगे, नीडल इंसर्ट करेंगे, ठीक है, नीडल इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे, जो भी फ्लूड होगा सीएसएफ फ्लूड, इसके अंदर क्या होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको अपन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे अपन एक जो भी कंटेनर होगा उसके अंदर अपन उसको लेकर लेबोरेटरी के अंदर सेंड कर देंगे. मीन्स अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इसकी डेफिनेशन होगी कि इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर अपन क्या करते हैं, नीडल जो होती है इसको लंबर सबअरेक्नॉइड स्पेस के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि अपन क्या कर सकें, सीएसएफ को विड्रॉ कर सकें. ठीक है दोस्तों, तो लंबर पंचर इज द इंसर्शन ऑफ ए नीडल इन टू द लंबर सबअरेक्नॉइड स्पेस इन टू विड्रॉ सीएसएफ. अब ये जो नीडल अपन जनरली यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, 24 गाउस की नीडल अपन इसको यूज करते हैं. ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके पर्पज के, क्या कारण है या क्या पर्पज है जिसकी वजह से अपन ये करते हैं लंबर पंचर करते हैं. तो पर्पजेस की अगर अपन बात करें तो पहला पर्पज क्या हो जाएगा कि अपन क्या कर सकते, इसमें अपन क्या करना होता है, जैसे कोई सर्जरी है उसमें अपन को स्पाइनल एनेस्थीसिया एडमिशन करना है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं. ठीक है, तो एक अपन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि टू एडमिशन, या फिर अपन किस लिए कर सकते हैं कि अपन को जैसे मेडिकेशन जो है वो इंट्राथिकली एडमिशन करनी हो, इंट्राथिकली मतलब स्पाइनल कैनाल के अंदर, जैसे कि अपन किस केस में करते हैं, मेनिंजाइटिस के केस के अंदर अपन करते हैं. इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं कि अगर अपन को सीएसएफ प्रेशर जो है उसको अगर अपन को मेजर करना हो, ठीक है, सीएसएफ प्रेशर को अगर अपन को मेजर करना हो, या फिर उसके अगर सीएसएफ प्रेशर ज्यादा है, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज्यादा उसके प्रेशर बढ़ रहा है, अगर अपन को उसको कम करना है तो उसके लिए अपन ये कर सकते हैं लंबर पंचर कर सकते हैं. इसके अलावा अपन को जो है सीएसएफ के अंदर, सीएसएफ जो है उसके अंदर जो है ब्लड की प्रेजेंस है या नहीं है उसको अगर पता लगाना, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं लंबर पंचर. या फिर अपन को करना हो कि सीएसएफ जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, अगर उसको अपन को डिटेक्ट करना है, मीन डायग्नोस्टिक स्टडी के लिए भी अपन ये कर सकते हैं लंबर पंचर कर सकते हैं. बात कर ली इसकी डेफिनेशन की और पर्पस की. पर्पसेस में अपन ने सबसे पहले पर्पस क्या देखा कि अपन को अगर सर्जरी से पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया एडमिशन करना है तो उस केस में अपन लंबर पंचर कर सकते हैं, या फिर अगर अपन को मेडिकेशन एडमिशन करना है स्पाइनल कैनाल में, जैसे कि अपन किस केस में करते हैं मेनिंजाइटिस के, स्पाइनल कैनाल के अंदर अगर अपन करते हैं मेडिकेशन तो अपन ये कहते हैं इंट्राथिकली. इसके अलावा अगर सीएसएफ प्रेशर है उसको अपन को मेजर करना है या फिर उसको रिड्यूस करना है तो अपन लंबर पंचर कर सकते हैं. या फिर अपन को करना हो सीएसएफ जो है उसके अंदर ब्लड की प्रेजेंस है या नहीं है उसको डिटरमाइन करना हो, या फिर सीएसएफ की डायग्नोस्टिक स्टडी परफॉर्म करनी हो, उस केस के लिए अपन कर सकते हैं लंबर पंचर कर सकते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो अपन नीडल इंसर्ट कर रहे हैं कहां पे, सबअरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, ठीक है, वो जनरली अपन L3 L4 के अंदर करते हैं, क्यों, अपन को पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहां पे एंड हो जाती है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे, मींस फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा जो होती है वहां पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी. तो उसके नीचे मींस L3 और L4 के नीचे अपन क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करके सीएसएफ को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं. क्यों, अब इसके अंदर L3 L4 जो होता है उसे मिसले करते हैं, क्योंकि अगर L1 में कर लें तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है. ठीक है, अगर वहां पर नीडल इंसर्ट हो गई तो इंजरी हो जाएगी, तो उससे क्या कॉज हो सकता है, पैरालिसिस. ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अपन को पता कैसे लगा कि L3 L4 कहां पे है. तो इसके लिए क्या होता है कि अपन को पता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है वहां पे क्या है, इलियक क्रेस्ट है ना. ठीक है, यहाँ पे अपन ने देखा कि ये इलियक क्रेस्ट, ठीक है, पेल्विक बोन जो होती है उसकी जो बोन होती है किससे बनी होती है, इलियम स्कैम और प्यूबिस. तो उसकी जो क्रेस्ट है इलियक क्रेस्ट, वहां से मतलब पीछे की साइड अपन क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे. ठीक है, इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, ये वाला जो इमेजिनरी लाइन का पोर्शन होगा ये क्या होगा, L3 L4 के बीच में होगा, और यहाँ भी अपन क्या करते हैं नीडल को इंसर्ट करते हैं और सीएसएफ को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, पर उसमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो नीडल अपन इंसर्ट कर रहे हैं वो L3 L4 या फिर L4 L5 के बीच में अपन कर सकते हैं, अपन को जो है L1 जो है उसके अंदर अपन को इंसर्ट नहीं करना. अगर अपन N1 में इंसर्ट कर देंगे तो क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है या फिर अदर इंजरीज हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा लंबर पंचर जो होता है वो क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है. क्यों, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्राक्रेनियल मास लेसन. ठीक है, इंट्राक्रेनियल मास लेसन की प्रेजेंस के अंदर क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है. क्यों रिस्की हो सकता है,
रिस्की इसलिए हो सकता है क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर अपन इसे नंबर पंच करेंगे तो CSF जो होता है जनरली, CSF क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। CSF जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन है वो क्या कर सकता है, हर्निएट कर सकता है। किसके द्वारा, फोरामिन मैग्नम के द्वारा। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, ब्रेन हर्निएट हो सकता है, ब्रेन का हर्निएशन हो सकता है थ्रू द फोरामिन मैग्नम। ठीक है, अभी फोरामिन मैग्नम कहाँ होता है, और फोरामिन मैग्नम की अगर बात करें तो क्या होगा कि जैसे ये अपना हेड है, ठीक है, ये अपना हेड वाला पार्ट है। तो हेड वाले पार्ट, ये जो जहां से स्पाइनल कोड निकलेगी, मतलब ये जो स्कल का जो बेस होता है, बेस ऑफ द स्कल, स्कल का जो बेस होता है, यहां पे क्या होता है, फोरामिन ऑफ मैग्नम, फोरामिन ऑफ मैग्नम यहां प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा कि जब इंट्राक्रेनियल मास लेजन जो होता है उसकी प्रेजेंस के अंदर, जब हम CSF को लंबर पंचर करके निकाल लेंगे, CSF क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। CSF डिक्रीज होने की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा कि जो ब्रेन वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हर्निएट कर सकता है। कहां से, फोरामिन मैग्नम जो स्पेस होती है वहां से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो यहां पे क्या हो सकता है, लंबर पंचर क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि कौन कौन से केस है जिसमें अपन लंबर पंचर नहीं करते हैं। तो जनरली जहां एक तो इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, अगर क्रेनियम विद इन द क्रेनियम अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस के अंदर अपन करते हैं लंबर पंचर नहीं करते हैं, लंबर पंचर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। या फिर इसके अलावा अपन किसमें, क्रोनिक बैक एक, अगर अपन लंबे समय तक बैक पेन हो रहा है या बैक एक हो रहा है, उस केस के अंदर अपन करते हैं लंबर पंचर नहीं करते हैं। तीसरा, इसके अलावा अगर पेशेंट जो सीवियर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, उस केस में भी अपन क्या करते हैं, नंबर पंचर नहीं करते हैं। या फिर सस्पेक्टेड एपिड्यूरल इन्फेक्शन है या फिर एपिड्यूरल हेमेटोमा है, उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, लंबर पंचर को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो सीवियर साइकेट्रिक, सीवियर साइकेट्रिक या न्यूरोटिक प्रॉब्लम, ठीक है, इसके अलावा सस्पेक्टेड एपिड्यूरल इन्फेक्शन, ठीक है, इन केस के अंदर अपन क्या करते हैं, लंबर पंचर को अवॉइड करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि लंबर पंचर करते वक्त अपन को कौन कौन से आर्टिकल्स की नीड होती है। ठीक है, तो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो होते हैं जनरली कौन कौन से यूज होते हैं, इसको अपन ने डिवाइड कर रखा है, एक तो स्टेरिल ट्रे और एक क्लीन ट्रे के अंदर। ठीक है, अपन देखते हैं कौन कौन से यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अपन बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स के अंदर स्टेरल ट्रे जो है उसके अंदर अपन कौन कौन से आर्टिकल लेंगे, एक तो लंबर पंचर नीडल लेंगे 24 गाउची, ठीक है, विथ स्टीलेट। ठीक है, इसके अलावा स्पॉन्जी, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, स्मॉल बाउल, स्पेसिमेन बोटल, वो बोटल जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, CSF को कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कॉटन बॉल, गाउच पीस और कॉटन पैड एक्सेट्रा, इसके अलावा ड्रेसिंग आर्टिकल्स। फिर अपन बात करते हैं क्लीन ट्रे की, तो क्लीन ट्रे के अंदर अपन जो है मैकिनटॉश और टॉवल यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम किड्री ट्रे और पेपर वेग अपन लेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्प्रिट और आयोडीन टिंचर, इससे क्या करेंगे, अपन जो भी साइट होती है उसको अपन क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। इसके अलावा 2% लिग्नोकेन जो कि क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है। ठीक है, स्टेराइल NS, एडेसिव प्लास्टर और सीजर्स, स्टेराइल ग्लव्स, गाउन और मास्क। इसके अलावा 3-way अडेप्टर मैनोमीटर और ट्यूबिंग, ठीक है, जो NS से कनेक्ट होगी उसके अंदर अपन जो प्रेशर है उसको अपन मेजर करेंगे। इसके अलावा लोकल एनेस्थीसिया के लिए अपन सीरेंज और रिडल जो है ये यूज करेंगे। इसके अलावा अपन बात करें तो आर्टिकल्स के अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं स्टेरल ट्रे और क्लीन ट्रे के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर, प्रोसीजर में अपन पढ़ेंगे प्री प्रोसीजर, प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर, ये तीन पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्री प्रोसीजर की। ठीक है, तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, जो भी पेशेंट होगा उससे रिटर्न कॉन्सेंट लिखा लेंगे कि जो भी मतलब प्रोसीजर हो रहा है, अगर उसके अंदर कुछ भी इधर उधर होता है, ठीक है, तो उसके जिम्मेदार वो है स्वयं होंगे या उसके जो गार्जियन होंगे वो होंगे। तो एक तो अपन रिटर्न कॉन्सेंट लिखवा लेते हैं, दूसरा अपन क्या करेंगे पेशेंट को जो है पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे प्रोसीजर जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर अपन बताएंगे पेशेंट को कि जब ड्यूरिंग द प्रोसीजर, अपन प्रोसीजर के टाइम पे क्या होगा, सेंसेशन जो होने वाले हैं उसको अपन डिस्क्राइब करेंगे। मीन्स अपन क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे सेंसेशन को, डिस्क्राइब सेंसेशंस, जैसे कि मतलब अपन क्या करेंगे उसको बताएंगे कि जब अपन साइट है वहां पे अपन क्या करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर जो सॉल्यूशन है उसे क्लीन करेंगे, तो वहां पे क्या हो सकता है, कोल्ड सेंसेशन उसको फील हो सकता है, कोल्ड सेंसेशन।
ठीक है, कोल्ड सेंसेशन उसको क्या हो सकता है, फील हो सकता है। इसके अलावा जब अपन उसको अपन ये बताएंगे कि अपन लोकल एनेस्थीसिया लगाएंगे, उसके बाद में जो है स्पाइनल नीडल जो है वो इंसर्ट की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को अपन रीश्योर करेंगे कि जो भी अपन नीडल इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अपन नीडल इंसर्ट कर रहे हैं वो कहां जाएगी, नीडल इंसर्ट हो रही है उसको अपन बताएंगे कि वो स्पाइनल कोड में नहीं जा रही है, सब स्पेस में जा रही है, और उससे जो है उसको किसी प्रकार का पैरालिसिस जो है नहीं होगा। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि पेशेंट का जो कोऑपरेशन है या फिर अपने लिए जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, गेन हो जाएगा। इससे क्या होगा, वो ज्यादा कोऑपरेटिव बनेगा, और जो अपन प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें अपन को क्या होगा, पेशेंट जो रिलैक्स रहेगा, उसकी एंजाइटी क्या होगी, कम होगी, और अपन प्रोसीजर जो है आसानी से जो है कर पाएंगे। इसके अलावा अपन जो है चौथा प्रिवेंशन में पाएंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले वो वॉइड करके आ जाए, मीन्स अगर उसको टॉयलेट करनी है तो वो चीज जो है वो प्रोसीजर पहले ही क्या हो करके आ जाए। इससे क्या होगा, पेशेंट जो होगा कम्फर्ट फील करेगा। अपने प्रोसीजर में क्या पढ़ लिया कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उससे रिटर्न कॉन्सेंट लिखवा लेंगे प्रोसीजर से पहले, ठीक है, तो डिटरमाइन वेदर द रिटर्न कॉन्सेंट फॉर द प्रोसीजर हैज बीन ऑब्टेंड, ठीक है। इसके अलावा अपन प्रोसीजर जो है पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे और जो भी सेंसेशन है उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करेंगे कि वो जो प्रोसीजर के टाइम पे होने वाले हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएंगे तो कोल्ड सेंसेशन हो सकता है, या फिर नीडल इंसर्ट करने से पहले अपन उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया जो है अपन उसको देंगे, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट उसको देंगे। इसके अलावा अपन पेशेंट को रीश्योर करेंगे कि जो नीडल होती है वो स्पाइनल कॉर्ड में इंसर्ट नहीं होगी, या फिर उसको जो है पैरालिसिस कॉज नहीं होगा, वो सबरिंगल स्पेस के अंदर जाएगी। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको इंसर्ट करेंगे कि वो प्रोसीजर से पहले या अगले अवॉइड करके आ जाए। अब अपन बात करते हैं प्रोसीजर की, ठीक है, तो प्रोसीजर में सबसे पहला काम अपन क्या करना है, पेशेंट को अपन क्या करेंगे कि इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करे, ठीक है, एनी मूवमेंट, किसी प्रकार का मूवमेंट जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन है, तो इसका रेशनल क्या होगा, अगर वो मूवमेंट करेगा तो क्या हो सकता है, अगर वो मूवमेंट करता है तो क्या होगा, स्पाइनल कोड के अंदर इंजरी हो सकती है, या फिर उससे रिलेटेड जो नर्व्स होती है उसके अंदर क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो पहला प्रोसीजर के अंदर पहला इंटरवेंशन अपना क्या होगा कि पेशेंट को बताना है कि प्रोसीजर के टाइम किसी प्रकार का मूवमेंट वो ना करे, ठीक है। इसके बाद में आता है दूसरा नर्सिंग इंटरवेंशन, उसमें अपन क्या करेंगे कि पेशेंट की जो बीपी है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, उसको अपन चेक करेंगे। तो इसके अंदर अपन जो है वाइटल साइन कह सकते हैं, या फिर बीपी, पल्स, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन जो है वो क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। इसका रेशनल क्या होगा, इसका रेशनल ये होगा कि इससे अपन को बेसलाइन डाटा जो है वो उसमें हेल्प मिलेगी, कि अपन को पता चल जाएगा कि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है, पल्स रेस्पिरेशन के बारे में अपन को पता चल जाएगा। तीसरा जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या होगा कि अपन को पेशेंट को पोजिशन देनी है, पेशेंट को पोजिशन अपन कैसे देंगे कि इसको अपन पोजिशन देंगे कि ये जो है, ठीक है, और उसके जो हाथ होंगे वो इसमें अपन पेशेंट को फुली फ्लेक्स पोजिशन देंगे, उसमें क्या होगा उसके जो लेग्स हैं, ठीक है, मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, जो भी बेड होगा, ठीक है, बेड के एक एज मीन्स कॉर्नर की तरफ जो है उसको अपन जो है ये पोजीशन देंगे, जिसे अपन सी शेप पोजीशन भी अपन क्या है कह सकते हैं, सी शेप पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है, या फुल्ली फ्लेक्स्ड जो है उसको अपन पोजीशन देंगे, फुल्ली फ्लेक्स जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अपन उसको क्या करेंगे, फ्लेक्स करेंगे। मीन्स इसमें क्या हुआ कि और इसकी जो बैक साइड होगी वो किसकी तरफ होनी चाहिए, फिजिशियन की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने इसमें क्या बताया कि पेशेंट को अपन जो है बेड के एक साइड के अंदर जो है पोजीशन देंगे और उसकी बैक जो है फिजिशियन की तरफ होनी चाहिए। इसके अलावा इसे अपन क्या कह सकते हैं, सी शेप पोजीशन कह सकते हैं, लेग्स और थाइज, मतलब थाइज और लेग्स जो होंगी, लेग्स एंड थाइज, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो सकती है, पूरी तरह क्या होनी चाहिए, फ्लेक्स होनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो हेड और नेक है टूवर्ड्स द चेस्ट होनी चाहिए, मीन्स हेड और नेक किसकी तरफ होनी चाहिए, टूवर्ड्स द चेस्ट होने चाहिए, ठीक है, मीन्स इसका जो हेड है नेक टूवर्ड्स द चेस्ट होने चाहिए, लेग्स होता है फ्लेक्स होनी चाहिए, और ये सी शेप पोजीशन बनेगी। जैसे जैसे जो बच्चा है वो एट बर्थ उसकी पोजीशन होती है फुली फ्लेक्स, वैसे उसको पोजीशन अपन देंगे। ये तो था नर्सिंग एक्शन, ठीक है। अब इसका रेशनल क्या होगा, अपन जो है थाइज को फुली थाइज या लेग्स जो फुली फ्लेक्स करेंगे तो उससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि जो भी वर्टिब्रेस के बीच में स्पेस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज स्पेस बिटवीन द वर्टिब्रीज, ठीक है, मतलब जो वर्टिब्रीज होगी उनके बीच में क्या होगा, स्पेस इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा, अपन आसानी से नीडल को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ इंसर्ट होंगे, सबरिंगुलर स्पेस के अंदर, ठीक है। ये था अपना तीसरा नर्सिंग इंटरवेंशन। अब अपन बात करते हैं फोर्थ नर्सिंग इंटरवेंशन की। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो हेड है उसके नीचे क्या करेंगे, पिल्लो रखेंगे, ठीक है, पिल्लो अंडर द हेड, मतलब सर के नीचे जो है अपन पिल्लो रखेंगे। इससे क्या होगा,
मतलब ये तो क्या था इसका नर्सिंग एक्शन। अब इसका रेशनल क्या होगा, रेशनल क्या होगा इसका कि हेड के नीचे अगर पिलो रखेंगे इससे क्या होगा, स्पाइन जो होगी वो क्या होगी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी, स्पाइन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ नर्सिंग एक्शन की। फिफ्थ नर्सिंग एक्शन में क्या होगा कि अपन पेशेंट को जो है एनकरेज करेंगे, उसको मतलब बताएंगे कि उसे क्या करना है, रिलैक्स रहना है और नो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल रखनी है प्रोसीजर के टाइम पे। और अपन उसको ये भी बोलेंगे कि प्रोसीजर के टाइम पे वो जो है ज्यादा बातें ना करे, बिल्कुल भी टॉक ना करे। मीन्स पेशेंट को अपन क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे कि वो क्या करे, रिलैक्स रहे, ठीक है, नॉर्मली ब्रीथ करे। या फिर अपन उसको ये भी इनकरेज करेंगे कि वो ज्यादा बातें ना करे। ठीक है, ये तो था नर्सिंग एक्शन। अब इसका रेशनल क्या होगा, इसका रेशनल ये होगा कि अगर हाइपरवेंटिलेशन होगा, मींस अगर वो बातें ज्यादा कर रहा है तो उससे क्या होगा, मूवमेंट हो सकता है। तो मूवमेंट का अपन ने फर्स्ट नर्सिंग एक्शन में देख लिया था, उससे क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, नर्व की इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा वो नॉर्मली ब्रीथ करे, अगर वो हाइपरवेंटिलेशन करता है तो क्या हो सकता है, हाइपरवेंटिलेशन। ठीक है, अगर वो हाइपरवेंटिलेशन करेगा तो क्या हो सकता है, प्रेशर के अंदर एरर कॉज हो सकता है। जो अपन प्रेशर मेजर कर रहे हैं, सी सब का, ठीक है, या इंटरनल प्रेशर मेजर कर रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। मींस क्या हो सकता है कि अगर प्रेशर एलिवेटेड होगा तो वो क्या हो सकता है, लोअर हो सकता है। ठीक है, लोअर एंड एलिवेटेड प्रेशर। ठीक है, तो ये अपना क्या था, फिफ्थ नर्सिंग एक्शन था। अगर हम बात करते हैं सिक्स नर्सिंग एक्शन की, तो छठा जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा उसमें क्या करेंगे अपन। अब अपने बताया प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, तो अपने कुछ बातें तो नॉर्मल होती है प्रोसीजर में, कि जैसे सबसे पहले हैंड वॉशिंग करना है, ग्लव्स पहनना है, ठीक है, जो भी मास्क एप्रन जो भी अपन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है वो पहनेंगे। तो ठीक है, तो वो अपन ने जो इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है कि अपन को जो है ग्लव्स पहनने और हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, अपना छठा जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या होगा, अब जो छठा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा उसमें क्या होगा कि फिजिशियन जो है, जो भी पंचर साइट है, ठीक है, अपन को पता है कि पंचर साइड जो होती है, अपन ने यहाँ देखा था कि ये इलिक रेश है, अपन ने यहाँ पे लाइन बना ली थी, अपन ने माना कि ये जो है L3 या L4 है, तो ये जो पंचर साइट होने वाली है उसको अपन क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन पंचर साइट। ठीक है, पंचर साइट को अपन जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे। और जनरली अपन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अपन क्या करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन या टिंचर आयोडीन जो है यूज करते हैं, इससे अपन ने उसको क्या कर दिया, साइट को क्लीन कर दिया। ठीक है, अब साइट को क्लीन कर दिया, तो साइड को क्लीन करके और यहाँ पे बाकी जो पोर्शन एक्सपोज नहीं उसको अपन ने ड्रेप कर दिया, इसको जो है पर्दे ढक दिया। तो इसका जो रेशनल है वो क्या होगा, इसका रेशनल क्या होगा कि जो इंजरी की रिस्क है, मींस यहाँ पे बैक साइड पे जो भी बैक्टीरिया बच, अगर अपन सीधा नीडल एंच कर देते हैं तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर एंटर हो सकते थे। तो अपन इससे क्या कर दिया कि इंजरी की जो रिस्क है उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अपन ने क्या कर दिया, इन्फेक्शन की जो रिस्क थी उसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो मेन प्रोसीजर आपको याद रखना, एक तो कि अपन इसको पोजीशन कौन सी देते हैं, तो अपन ने पढ़ा कि इसको अपन ने फुल्ली फ्लेक्स पोजीशन या सी शेप पोजीशन दे दी। ठीक है, और अपन ने पंजे साइड को क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। अब आता है सेवंथ नर्सिंग इंटरवेंशन। सेवंथ नर्सिंग इंटरवेंशन में अपन क्या करेंगे, ठीक है, सेवंथ नर्सिंग इंटरवेंशन में अपन क्या करेंगे कि फिजिशियन क्या करेगा, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो पंजे साइड में डालेगा। मीन्स ये और जो साइट है यहाँ पे क्या होगा, लोकल मतलब ये जो लोकल साइट है L3 L4, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट वो जो उसको क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, जिससे क्या हो जाए कि पंचर साइट जो होता है वो क्या हो जाए, नंब हो जाए, नंब। नंबनेस के लिए अपन ने क्या कर दिया, उस जो भी साइट उसको नंब कर दिया। अब क्या करेंगे अपन, इसमें स्पाइनल नीडल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, स्पाइनल नीडल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, स्पाइनल नीडल इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे, अब ये जो स्पाइनल नीडल इंसर्ट किए वो अपन L3 L4 या फिर L4 L5 के बीच में अपन दोनों में से किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, पर जनरली अपन L3 L4 के बीच में अपन ये करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये तो इसका नर्सिंग इंटरवेंशन, और इसके बाद में ये करेंगे उसको अपन कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है इसका आठवां नर्सिंग इंटरवेंशन। इसका जो आठवां नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या होगा कि फिजिशियन क्या करेगा, स्पाइनल नीडल डाल दी, स्पाइनल नीडल के बाद में स्टीलेट जो होता है, स्टीलेट को क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव स्टीलेट, मतलब स्पाइनल नीडल के अंदर स्टीलेट आता है, अपने नीडल डालने के बाद अपन क्या करेंगे, स्टीलेट को रिमूव कर लेंगे और क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे थ्री वे अडेप्टर, कनेक्ट जो थ्री वे अडेप्टर आता है उसके अंदर इसको कनेक्ट करेंगे, उसको किससे कनेक्ट करेंगे, मैनोमीटर से, जिससे अपन क्या करेंगे, प्रेशर को मेजर करेंगे, और जो कि किससे फील्ड है,
एनएस से, ठीक है। तो अपन ने अगर स्पाइनल नीडल लाने के बाद, स्पाइनल नीडल लाने के बाद में स्टिलेट जो है इसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद उसको थ्री वे अडैप्टर से कनेक्ट किया विथ मैनोमीटर जो किससे बराबर है एनएस से, उससे अपन क्या करेंगे। अब ये तो था इसका नर्सिंग इंटरवेंशन, अब इसका रेशनल क्या होगा, इससे क्या होगा सीएसएफ प्रेशर जो है ऑप्टेन हो जाएगा, सीएसएफ प्रेशर प्रेशर ऑप्टेन, ठीक है। अब नॉर्मल प्रेशर क्या होता है सीएसएफ का, अगर अपन नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर की अगर बात करें, सीएसएफ का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है 6 to 13 mmHg, अगर अपन मरकरी की बात करें तो 6 to 13 mmHg होता है, अगर अपन वाटर की बात करें तो कितना होता है 80 to 180 cm ऑफ वाटर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नाइन्थ नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सीएसएफ जो भी स्पेसिमेन था उसको अपन तीन स्पेसिमेन बोटल जो होती है उसको अंदर क्या कर देंगे कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तीन स्पेसिमेन बोटल जो होती है उसमें अपन इसको क्या कर देंगे कलेक्ट कर लेंगे और प्रेशर को मेजर करने के बाद, ठीक है। अब 10th पॉइंट क्या होगा कि जो भी नीडल है वो अपन इंसर्ट करके उसको फिजिशन कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, मींस में क्या होगा नीडल को विड्रॉ किया जाएगा, नीडल इज विड्रॉ, ठीक है। नीडल को फिजिशन क्या करेगा विड्रॉ कर लेगा 10-11 नर्सिंग इंटरवेंशन। तो 11 नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा कि फिजिशियन क्या करेगा, अब क्या होगा अपन ने लंबर पंचर कर लिया, ठीक है, लंबर पंचर कर चुके हैं अपन और नीडल स्टिलेट निकाला और अपन ने जो सीएसएफ कलेक्शन कर लिया, उसके बाद अपन ने करना है जो भी साइट है, ठीक है। अब उससे क्या होगा सीएसएफ लीक हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे वहां पे ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है, स्मॉल ड्रेसिंग जो है वहां पे अप्लाई करेंगे, स्मॉल ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है, साइड पंचर साइड पे। इससे क्या होगा, इसका मतलब जो अपन रेशनल बात करें तो इसका रेशनल क्या है, अपन क्यों करते हैं ऐसा, ताकि क्या हो सके जो भी सीएसएफ लीक हो रहा है उसको अपन क्या कर सके प्रिवेंट कर सके, या फिर वहां पे क्या हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है तो उसको भी अपन क्या करेंगे प्रिवेंट करेंगे, तो इन्फेक्शन भी प्रिवेंट होगा। दूसरा जो सीएसएफ लीक हो रहा है उसको अपन क्या करेंगे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। ये था अपना क्या लास्ट नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोसीजर के अंदर, ये अपन ने प्रोसीजर पूरा पढ़ा। प्रोसीजर में अपन ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो अपन को करना है पेशेंट को प्री प्रोसीजर, मतलब प्री प्रोसीजर में अपन ने पेशेंट को समझाया कि एक तो अपन रिटर्न कॉन्सेंट ले लिया और वॉइडिंग करवा दी, पेशेंट को प्रोसीजर समझा दिया, उसका कोऑपरेशन या कॉन्फिडेंस अपन ने गेन कर लिया। प्रोसीजर में अपन ने पहले सबसे पहले बताया था कि अपन को पेशेंट जो है उसको बताना, उसको जो है किसी प्रकार के मूवमेंट के लिए करना है मना करना है, क्योंकि अगर वो मूवमेंट करेगा तो क्या हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और नर्व इंजरी हो सकती है। फिर अपन दूसरे नंबर पे इंटरवेंशन दिया कि अपन इसमें वाइटल साइन जनरली बीपी पल्स और रेस्पिरेशन चेक करेंगे ताकि पेशेंट की कंडीशन अपन को पता चल सके। तीसरे कंडीशन में अपन ने क्या किया था, पेशेंट को पोजिशन दी थी, पेशेंट को अपन ने पोजिशन कैसे दी थी फुली फ्लेक्स, इसमें क्या होगा उसका जो हेड और नेक है टुवर्ड्स द चेस्ट होगा, उसके जो लेग्स और थाइस है वो फुली फ्लेक्स होंगी, सी से पोजिशन के अंदर वो आएगा। इससे होगा क्या कि वर्टिब्रेस के बीच में स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी और निडल जो आसानी से अपन उसको इंसर्ट कर सकते हैं। फोर्थ नर्सिंग इंटरवेंशन था कि अपन ने करा उसके हेड के नीचे पिलो लगाया, इससे क्या होगा कि स्पाइन जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ जो अपना नर्सिंग इंटरवेंशन था उसमें अपन ने क्या करा, पेशेंट को अपन ने रिलैक्स होने के लिए कहा, ठीक है, रिलैक्स, उसको कहा कि वो नॉर्मल ब्रीथिंग करे और प्रोसीजर के टाइम पे बिल्कुल भी बात ना करे, ठीक है। ऐसा अपन ने क्यों कहा, क्योंकि अगर हाइपर वेंटिलेशन होगा तो क्या हो सकता है प्रेशर अपन जो मेजर कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है एरर आ सकता है, या फिर जो प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो वो क्या हो सकता है लोअर हो सकता है, इसलिए अपन पेशेंट को क्या कहेंगे कि वो बात ना करे, नॉर्मली ब्रीथ करे और रिलैक्स रहे, ठीक है। सिक्स्थ पोजीशन में, सिक्स्थ नर्सिंग इंटरवेंशन में अपने क्या कि जो भी पंचर साइट है, ठीक है, अपन ने पंचर साइट देखी थी कि ये जो इलियक रेस्ट होती है उसके बीच में अपन इमोजनी लाइन में आते हैं और यहाँ पे क्या होता है L3-L4 होता है, वहां पर अपन ने क्या करा उस पंचर साइट को अपन ने क्या करा क्लीन किया, ठीक है, जहां पे अपन पंचर करने वाले उसको अपन क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, मेनली अपन टिंचर ऑफ आयोडीन से यूज करते हैं। इससे होगा क्या, इन्फेक्शन की जो रिस्क होगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद सातवां जो नर्सिंग इंटरवेंशन था उसमें अपन ने क्या देखा कि अपन पंचर करने से पहले लोकल एनेस्थेटिक एजेंट से अपन क्या करेंगे साइड को नम कर देंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे स्पाइनल जो है वो क्या करेंगे उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। फिर अपन ने सातवां पढ़ा, आठवां अपन ने क्या पढ़ा कि स्पाइनल नीडल डालने के बाद में उसका स्टिलेट जो है उसको अपन रिमूव कर लेंगे और थ्री वे अडैप्टर जो है उसको कनेक्ट करेंगे, थ्री वे अडैप्टर को अपन क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे, साथ में क्या होगा मैनोमीटर फील्ड एनएस जिससे अपन क्या करेंगे प्रेशर को मेजर कर लेंगे, ठीक है। इसका जो रेशनल था वो अपन क्या था कि इससे अपन प्रेशर ऑप्टेन कर लेंगे और जो नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर मैंने आपको बताया वो क्या है 6 to 13 mmHg मरकरी में और वाटर का कितना है 80 to 180 cm, ठीक है। नाइन्थ केस में अपन क्या रहा कि
थ्री, इसके बाद अपन ने ये करा कि थ्री स्पेसिमेन बोटल्स होती है, ठीक है, थ्री स्पेसिमेन बोटल्स होती है, उसके अंदर अपन ने सीएसएफ को कलेक्ट कर लिया। एंड टेंथ में अपन ने पढ़ा कि अपन जो फिजिशियन है उसको करेगा नीडल को विड्रॉ कर लेगा। अब क्या होगा, पंचर साइड जो है वहां से सीएसएफ लीकेज हो सकता है, तो अपन ने करा वहां पे स्मॉल ड्रेसिंग लगा दी। इससे क्या होगा, लीकेज की जो रिस्क है वो क्या होगी, प्रिवेंट होगी, और इन्फेक्शन जो है उसकी भी रिस्क जो है वो भी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पढ़ा प्रोसीजर। अब अपन बात करते हैं इसके पोस्ट प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, अपन जो है पोस्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे कि सबसे पहला जो अपना नर्सिंग एक्शन होगा वो क्या होगा कि पेशेंट को अपन इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अगले जो 12 से 24 घंटे है उसके अंदर क्या करे, फ्लैट पोजीशन पे ले, एक मिनट, ठीक है, उसमें वो क्या करे, फ्लैट पोजीशन में रहे। ठीक है, फ्लैट पोजीशन मतलब अगले जो 12 से 24 घंटे उसके अंदर अपन उसको फ्लैट पोजीशन देंगे, ताकि क्या हो, सीएसएफ जो है वो लीकेज ना हो सके। ठीक है, और जो प्रेशर है काउटल एरिया में जहां पे अपने नीडल इंसर्ट करी थी, एंड वहां पे क्या होगी, जो रिस्क होगी वो डिक्रीज है, मतलब 12 से 24 घंटे पे अपन उसको करेंगे फ्लैट पोजीशन देंगे, ताकि सीएसएफ लीकेज की जो रिस्क है वो कम हो सके। इसके अलावा ये अपना रेशनल हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि दूसरा पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। इसमें अपन क्या करेंगे कि जो भी लंबर पंचर अपन किया उसकी कॉम्प्लिकेशंस को अपन मॉनिटर करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस को क्या करेंगे, अपन मॉनिटर करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस मॉनिटरिंग। ठीक है, अब इसका रेशनल क्या होगा। इसके अलावा इसके जो वाइटल साइंस है, ठीक है, हर आधे घंटे में अपन को क्या करना है, वाइटल साइन लेने हैं अगले 3 से 4 घंटे तक। ठीक है, अगले 3 से 4 घंटे तक अपन को करना है, हर हाफ एन आवर के अंदर वाइटल साइन जो है उसको क्या करना है, चेक करना है कि उसकी, जब तक कि वो स्टेबल कंडीशन में पेशेंट ना आ जाए। ठीक है, इसका जो रेशनल है वो क्या होगा, पोस्ट लंबर हेडेक जो है अपीयर हो सकता है, तो इसका जो रेशनल है, ठीक है, या जो कॉम्प्लिकेशन है अपन वाइटल साइन क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट लंबर पंचर हेडेक, पोस्ट लंबर पंचर हेडेक जो होता है, पोस्ट लंबर पंचर हेडेक जो है अपन को देखने को मिलता है। पोस्ट लंबर मींस पता चल रहा है कि लंबर पंचर होने के बाद में क्या होता है, हेडेक हो सकता है, तो उस चीज को अपन को क्या करना है, अपीयर होगा वो कितने कुछ घंटों से कुछ दिनों बाद हो सकता है प्रोसीजर के, तो वो अपन क्या करेंगे, वाइटल साइन लेते रहेंगे, और इसका रेशनल क्या होगा, पोस्ट लंबर पंचर हेडेक जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो अपीयर होगा। फिर आता है थर्ड नर्सिंग इंटरवेंशन। थर्ड नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होगा कि अपन पेशेंट जो है उसको एनकरेज करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूड का क्या करें, इंटेक करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूड का क्या करें, इंटेक करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि पोस्ट लंबर पंचर की जो हेडेक है वो क्या हो जाएगा, उसकी रिस्क जो होगी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपन पता है पोस्ट लंबर पंचर हेडेक क्यों हो रहा है, क्योंकि सीएसएफ जो है अपन ने अगर एस्पायरेट के लिए बाहर निकाल लिया, तो सीएसएफ के डिक्रीज होने की वजह से जनरली क्या होता है, पोस्ट लंबर पंचर हेडेक हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्लूड का इंटेक करेंगे। ज्यादा से ज्यादा फ्लूड इंटेक करने से क्या होगा, सीएसएफ जो होता है वो वापस क्या हो जाएगा, रीस्टेब्लिश हो जाएगा, रीस्टेब्लिश हो जाएगा, और रीस्टेब्लिश होने से क्या होगा, ये जो पोस्ट लंबर पंचर हेडेक की कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, या फिर डिक्रीज हो जाएगी, या फिर डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है फोर्थ नर्सिंग इंटरवेंशन। फोर्थ नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, जो भी स्पेसिमेन अपने कलेक्ट करा उसको अपन लेबोरेटरी में सेंड कर देंगे, वो भी प्रॉपर लेबल और रिक्विजिशन फॉर्म के साथ। मींस अपन ये करेंगे, सेंड कर देंगे स्पेसिमेन बोतल को या स्पेसिमेंस को लेबोरेटरी में। ठीक है, इसका रेशनल क्या होगा, ताकि अपन क्या कर सकें, इसका रेशनल क्या होगा, ताकि अपन जो भी केमिकल बैक्टीरियोलॉजिकल सेलुलर कॉम्पोजिशन है सीएसएफ का, वो अपन क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें और डिजीज को डायग्नोज कर सकें। मींस अपन क्या कर सकें, केमिकल बैक्टीरियोलॉजिकल और सेलुलर कॉम्पोजिशन जो है उसके बारे में अपन क्या पता लगा सके, उसको डिटेक्ट कर सकें और डिजीज को अपन कर सकें, डायग्नोज कर सकें। इसके अलावा अगर फिफ्थ जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या होगा, पोस्ट प्रोसीजर के अंदर अगर अपन को किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो अपन को क्या करना है, पेशेंट को 24 घंटे बाद करना है अपराइट पोजीशन देनी है, अपराइट पोजीशन। ठीक है, आफ्टर 24 आवर, मतलब अपन क्या करना है, अगले 24 घंटे के बाद में, 24 आवर के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को अपराइट पोजीशन दे सकते हैं अगर किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जो है अपन को ऑब्जर्व नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिलेगी, इसके जो भी प्रोसीजर या फिर पोस्ट प्रोसीजर है उसको मैं सीरीज वाइज जो है लास्ट के अंदर आपको लिख के बता दूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस की। तो अपन ने पढ़ा है कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, सबसे पहले
इसके अंदर जो है सीएसएफ लीकेज की दिक्कत आ सकती है, सीएसएफ लीकेज, ठीक है, सीएसएफ लीकेज की दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है जो भी साइट है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा ने पढ़ा पोस्ट पार्टम या फिर पोस्ट, अभी अपन ने जो पढ़ा था इसके अंदर जो है पोस्ट लंबर पंचर हेडेक की दिक्कत आ सकती है, तो पोस्ट लंबर हेडेक, ठीक है, पोस्ट लंबर पंचर की हेडेक, पोस्ट लंबर पंचर हेडेक जैसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अपन को जो है अगर स्पाइनल कोड के अंदर अगर गलती नीडल अपन इंसर्ट कर दिए तो क्या हो सकता है, पैरालिसिस कॉज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपने पढ़ा था इंट्राक्रैनियल जो मास लेसन पढ़ा था अपने पढ़ा था कि हर्निएशन हो जाता है फोरामेन मैग्नम के द्वारा, ब्रेन वाला पार्ट बाहर जो है हर्निएट हो जाता है, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है इंट्राक्रैनियल कंटेंट का हर्निएशन हो सकता है, मीन्स हर्निएशन, हर्निएशन हो सकता है किसका, इंट्राक्रैनियल कंटेंट का, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है मेनिंजाइटिस हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, अगर लंबर पंचर साइड को अगर अपन ने ढंग से अगर उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अगर उसको क्लीन नहीं किया तो वहां पे मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा स्पाइनल एपिड्यूरल इन्फेक्शन और हेमेटोमा देखने को मिल सकता है, स्पाइनल एपिड्यूरल हेमेटोमा या फिर इन्फेक्शन जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर कि अपन को स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या हो सकता, स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा कि जो भी न्यूरोलॉजिक, इसमें सबसे पहले क्या देखना है अपन को कि न्यूरोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं है पेशेंट के अंदर, वो अपन को क्या करना है मॉनिटर करना है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, अपन को करना है कि न्यूरोलॉजिकल चेंजेस को मॉनिटर करना है। और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, अपन को उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपन कैसे चेक करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल से, ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपन करेंगे चेक करेंगे। इसके अलावा प्यूपिल साइज, ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे इसके अंदर नंबनेस और टिंगलिंग तो नहीं है किसी प्रकार की बॉडी में, नंबनेस और टिंगलिंग, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अपन जो है लेग साइड लेग्स में या फिर लोअर बैक में किसी प्रकार का पेन तो नहीं है, पेन इन लेग्स और लोअर बैक, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि प्रोसीजर्स, मतलब ये जो कंडीशन है ये अपन कब चेक कर रहे हैं, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है, अपन ने क्या करा न्यूरोलॉजिकल चेंजेस को मॉनिटर करा प्रोसीजर के टाइम पे, प्रोसीजर के बाद में, जिसमें अपन ने क्या देखा कि उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, प्यूपिल साइज, नंबनेस और टिंगलिंग और लेग्स और लोअर बैक के अंदर पेन। इसके बाद में दूसरे नंबर अपन जो स्पेशल कॉन्सल्टेशन में क्या देखते हैं कि अगर स्पाइनल हेडेक प्रेजेंट है तो अपन पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर स्पाइनल हेडेक प्रेजेंट है, स्पाइनल हेडेक प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसको क्या क्या अवॉइड करना है, एक तो उसको क्या करना है एस्पिरिन और कैफीन, ठीक है, पेशेंट को अपन इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो एस्पिरिन और कैफीन जो है उसका इंटेक ना करे, उसको अपन को करना है अवॉइड करना है। इसके अलावा पेशेंट जिस रूम में रह रहा है वहां की जो लाइट है वो क्या रखनी है अपन को, डिम रखनी है, कीप, ठीक है, डिम रखनी है जहां पे पेशेंट जो है रह रहा है। इसके अलावा एक्सेसिव स्टिमुलेशन जो है उसको अपन को अवॉइड करना है, अवॉइड ठीक है। इसके अलावा अपन को करना है वाल्सेल्वा मैन्यूवर जो होता है उसको क्या करना है अवॉइड करना है। इसके अलावा जो पेन मेडिकेशंस होती है उनको भी अपन को करना है अवॉइड करना है, अवॉइड पेन मेडिकेशन, पेन मेडिकेशन मीन्स एनाल्जेसिक जो होती है उनको अपन को करना है पूरी तरह से अवॉइड करना है। इसके अलावा पेशेंट को जो है बिना पिल्लो के 12 से 24 घंटे तक क्या करना है फ्लैट पोजिशन के अंदर मेंटेन करना है, जो अपन ने पढ़ा था क्या करना है मेंटेन फ्लैट पोजिशंस 4-12-20, मतलब पूरे एक दिन तक जो है आधे एक दिन तक बिना पिल्लो के अपन को करना है उसको फ्लैट पोजिशन जो है मेंटेन करनी है, ठीक है। अब अपन बताया कि एक बार नीडल जो है सब एटमॉस्फेयर में एंटर हो गई तो पेशेंट को अपन को क्या करनी है मदद करनी कि वो स्लोली जो है अपने लेग्स को करे स्ट्रेट करे, ताकि क्या कहो कि जो फोर्स इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है फोर्स इंक्रीज होगा वो क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मसल टेंशन और कंप्रेशन बढ़ने से क्या होता है प्रेशर रिपोर्टिंग जो है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे जो है स्पेशल कंसल्टेशन है जो अपन को ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है।
लास्ट क्या था कि इसके अंदर जब अपन निडल को सब एक्सपेंस में एंटर करते हैं तो क्या होता है, पेशेंट को अपन हेल्प करेंगे, हेल्प पेशेंट्स, इसमें अपन को करना है पेशेंट को हेल्प करना है कि वो धीरे धीरे जो अपने लेग्स को क्या करें, एलिवेट करें, ताकि इससे क्या हो सके, फॉल्स रिकॉर्डिंग जो है उसको अपन क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, कि जो इंटरक्रेनियल प्रेशर को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। इसके अलावा मसल टेंशन इंक्रीज होने से और कंप्रेशन से भी क्या हो सकता है, प्रेशर रिकॉर्डिंग क्या हो सकती है, एलिवेट हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि पोस्ट लंबर पंचर हेडेक जो है वो क्या और कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट लंबर पंचर हेडेक, ये जो कंडीशन हो सकती है वो कहां से कहां तक हो सकती है, माइल्ड टू सीवियर कंडीशन में जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है वो प्रोसीजर के कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद जो अपन को देखने को मिलती है, ये क्या होती है, अकर्स फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज आफ्टर द प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर करने के बाद कुछ घंटों बाद या फिर कुछ दिनों बाद जो अपन को ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि हेडेक होता है, वो हेडेक कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो हेडेक होगा वो अगर अपन बात करें हेड की तो बाइफ्रंटल, ठीक है, और ऑसिपिटल हेडेक होगा, मींस बाइफ्रंटल हेडेक जो होगा इसमें देखने को मिलेगा, बाइफ्रंटल हेडेक या फिर ऑसिपिटल हेडेक जो है अपन को इसमें देखने को मिलता है। अगर अपन इसके पेन के नेचर की बात करें तो वो किस कैरेक्टर का होगा, वो कैसा होगा, पेन जो होगा वो डल होगा, डल एंड डीप, ठीक है, डल और डीप होगा कैरेक्टर के अंदर। अगर अपन बात करें कि इसके अंदर जो है पेशेंट को जो हेडेक हो रहा है वो किस पोजीशन पे हो रहा है, तो अगर अपन बात करें तो सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन जो होती है उसके अंदर क्या होगा, पर्टिकुलरली सीवियर पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। बट जब पेशेंट जो है वो लाई डाउन मींस लेट जाता है, लाइज डाउन वाली पोजीशन है उसके अंदर उसको पेन जो है कम देखने को मिलता है, और सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, पेन जो होता है वो सीवियर हो जाता है, ठीक है। ये अपन को जो है कुछ पॉइंट्स है, इसके कैरेक्टर जो अपन को पढ़ना है, ध्यान में रखना है। अब बात आती है पोस्ट लंबर पंचर हेडेक जो होता है वो कैसे होता है, किस कारण की वजह से होता है, इसके कोज क्या है। तो अपन ने पढ़ा था कि ये जो L3 है और ये जो L4 है, ठीक है, L3 L4 जो है और यहाँ पे सब एग्रोनल स्पेस थी, अपन ने पढ़ा था कि अपन ने यहाँ पे स्पाइनल नीडल को इंसर्ट किया, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है क्या कि जब अपने स्पाइनल नीडल इंसर्ट करी और CSF जो लीकेज हुआ उसको अपने क्लियर कर लिया, नीडल को अपने वापस रिमूव किया, तो क्या होता है कि जो CSF होगा वो क्या करेगा, जो टिश्यू होगा उसके अंदर क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, एस्केप इन टिश्यू, मतलब उसका जो लीकेज होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो क्रेनियम है, ठीक है, क्रेनियम वाला पार्ट है जहां पे क्या होता है जनरली CSF होता है, वहां पे क्या हो जाएगा, CSF की कमी हो जाएगी, मतलब CSF जो होगा वहां पे क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है। और ये CSF क्या है, मतलब यहाँ पे जो CSF का प्रोडक्शन वो इनसफिशियंट या उस पॉइंट पर चला जाएगा जहां पे क्या होगा, ब्रेन का मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नहीं मेंटेन हो पाएगा, मींस क्या होगा इसके अंदर, इट लीड्स टू इनसफिशियंट टू मेंटेन प्रॉपर मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये इसके कारण है, क्या होता है कि अपन जैसे इंसर्ट करते हैं और उसके बाद निकालते हैं तो CSF लीक ज्यादा हो जाता है, वो क्या करता है टिश्यू के अंदर चला जाता है और क्रेनियम के अंदर विद इन द क्रेनियम CSF का अमाउंट क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे डिग्री हो जाता है कि वो ब्रेन का जो स्टेबिलाइजेशन है मींस मैकेनिकल जो स्टेबिलाइजेशन है वो क्या हो जाता है, मेंटेन नहीं कर पाता, और उसकी वजह से क्या होता है अपन को बायफ्रंटल मींस बायफ्रंटल और ऑसिपिटल क्या होता है, हेडेक होता है, जो जनरली सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन पे ज्यादा होता है और लाई डाउन करने पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अपन बात करते हैं कि इसको अपन जो है कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इसको अपन अवॉइड कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो अपन ने पंचर किया था उसके लिए अपन जो नीडल का साइज लें वो क्या लें, स्मॉल नीडल या जो गाउज साइज है वो क्या करें, कम से कम यूज करें, तो उससे क्या होगा कि ये जो पोस्ट लंबर पंचर हेडेक की ये जो रिस्क है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा अपन इसको मैनेज कैसे करते हैं, तो इसको अपन मैनेज करते हैं, इसको मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, इसको अपन मैनेज कर सकते हैं हाइड्रेशन से। हाइड्रेशन से क्या होगा, CSF जो भी CSF लॉस हुआ है वो वापस क्या हो जाएगा, रिस्टेब्लिश हो जाएगा। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट, तो इसको मैनेज किया जाता है,
बेड रेस्ट, एनाल्जेसिक्स और हाइड्रेशन, ये तीन तरीके होते हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। अब अपन लास्ट में जो है, मैं आपको वापस जो प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर के अंदर अपन ने क्या क्या इंटरवेंशन कैसे लिखे थे उसको मैं एक बार जो है सीरीज वाइज लिख के बताता हूँ। तो अपन ने जो है प्रोसीजर की बात करी थी, वो अपन ने उसको समझा दिया था। अब ये जो है प्रोसीजर जो है मैंने लिख दिया है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा ये जो है 7 से लेकर 11 प्रोसीजर है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पोस्ट प्रोसीजर की। तो पोस्ट प्रोसीजर के अंदर अपन ने पढ़ा था ये 5 पॉइंट्स जो अपन ये सामने रख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।